बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। दिस इज़ मायरा अमजद, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। वी आर रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम गौहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम अपनी फर्दर असेसमेंट को कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। हम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और देंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 33 पर एंड थिंक क्रिटिकली। स्टार्ट करते हैं अपना एक क्वेश्चन, जहां पे हमसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पूछे गए हैं। द सॉइल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड, व्हाइल इट इज कोल्ड एंड ड्राई इन द फॉरेस्ट फॉर कोल्डर रीजन्स। इन विच फॉरेस्ट विल द डेड लीफ डिकम्पोज सून। अब हमें यहाँ पे दो तरह के फॉरेस्ट का बताया गया है, एक है हॉट एंड ह्यूमिड और एक है कोल्ड एंड ड्राई। तो अब वो कह रहे हैं किसके लीव्स जल्दी जो है वो डिकम्पोज कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने क्रिटिकली थिंक करना है कि ये कैसे होगा। आप खुद सोचें कि जहाँ पर हमारे पास मॉइस्चर होगा, नमी होगी, वहाँ पे ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगी, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट कर देंगे ग्रो करना। इसलिए इसका आंसर आएगा डेड लीव्स विल डिकम्पोज इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ड्यू टू मॉइस्ट प्रेजेंट इन दैट सॉइल। यानी कि वो सॉइल जिसके अंदर नमी मौजूद है, दैट विल हेल्प द डिकम्पोजर्स टू ग्रो फास्टर। तो इसलिए कोल्ड एंड ड्राई फॉरेस्ट के अंदर जल्दी डिकम्पोजिशन होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड स्टार्ट थिंक क्रिटिकली। Why should we wear mask outside the house and wash our hands with soap many times a day? क्यों पहनते थे हम मास्क? आपको याद तो है ना COVID-19 का दौर, ताकि हम वायरल डिजीजेस से बच सकें, इस वजह से हम मास्क का यूज़ करते थे, अवॉइड करते थे इन्फेक्शन से बचने के लिए। इसी वजह से हम दूसरों के साथ मिलना जुलना भी अवॉइड करते थे, तो हम अपने आप को इन्फेक्शन डिजीज़ से बचाने के लिए मास्क इस्तेमाल करते थे, और इस वजह से हम बार बार हाथ धोते थे ताकि हमारे हाथों पर मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो वॉश हो जाएं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि डिटेल्ड आंसर की तरफ। हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शंस? तो आपको याद है कि जब हम COVID-19 के टाइम में थे, तब हमें कुछ हैबिट्स डिवेलप करवाई गई थी, जिन हैबिट्स ने हमको कोविड से बचाया था। आपको याद है कि हमें बार बार कहा जाता था कि हमने हेल्दी खाना है, हमने एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करनी है, हमने हैंड वॉश करने हैं बार बार, हमने अपना सेपरेट टॉवल इस्तेमाल करना है, अपना टूथब्रश इस्तेमाल करना है जो कि सेपरेट हो, और दिन में दो दफ़ा ब्रश करना है, और बार बार हैंड वॉश करने हैं, किसी से हैंड शेक करना है तो फ़ौरन हैंड वॉश करने हैं, उस पर्सन से दूर रहना है जिसको खांसी है, कफ लगी हुई है, हमने उससे एक डिस्टेंस पे रहना है ताकि उसकी वायरल इन्फेक्शन हमारी तरफ ना आ सके, और हमने अवॉइड करना था फूड को जो कि फ्रेश ना हो, यानी कि हमने फ्रेश फूड खाना था, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना था, ठीक है, कच्चा खाना नहीं खाना था, पका हुआ खाना था। वी मस्ट ड्रिंक बॉइल्ड और फिल्टर वाटर। याद रहे ये बात आपने कभी नहीं भूलनी, आपने जो पानी पीना है उसको फिल्टर होना चाहिए, आपने साफ़ पानी पीना है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हैबिट्स थी जो कि हम डिवेलप करें अगर अपने अंदर, तो हम इन्फेक्शन डिजीजेज से बच सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? क्या थे एडवांटेजेस, हमें क्या फ़ायदा देते थे? याद है आपको कि फूड में हमारी मदद करते थे, सम बैक्टीरियाज कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट्स, सम बैक्टीरियाज कन्वर्ट मिल्क इनटू चीज़, इसी तरह हमारी हेल्थ केयर के अंदर हमारी हेल्थ केयर के अंदर हमारा ख्याल रखते थे। सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन जो कि हमारी डाइजेशन में मदद करते थे। इसी तरह कुछ फंजाई थे जो कि एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल किए जाते थे, जो बैक्टीरियाज को किल करने में मदद करते थे, बल्कि बैक्टीरियल डिजीजेस को किल करने में भी मदद करते थे। इसी तरह सॉइल के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा बहुत साथ देते थे, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते थे। बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन और डीकम्पोज डेड लिविंग थिंग्स, यानी कि जो डेड हो जाते थे प्लांट्स या एनिमल्स, उनको बैक्टीरिया और फंजाई डीकम्पोज कर देते थे, एंड देन वो सॉइल का पार्ट बन जाते थे, एंड न्यू प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन दिस सॉइल। तो आपने ये सब पॉइंट्स इसके अंदर ऐड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क एज डीकम्पोजर्स. आपको याद है हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि फंजाई क्या करती थी. अगर कोई ट्री फॉलन हो जाता था, गिर जाता था, तो फंजाई की कॉलोनीज उसके ऊपर डीकम्पोज हो जाती थी, अटैक कर देती थी और ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देती थी. ट्री के ऑर्गेनिक मैटर को डेड करना शुरू कर देती थी. उसके बाद बैक्टीरिया अपना काम स्टार्ट करता था. They further decompose the nutrients. Bacteria and fungi also grow on the food. Food के ऊपर भी grow कर जाते थे और हमारे खाने को spoil कर देते थे. We cannot eat that food. तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो decomposers करती थी. ये वो तमाम काम हैं जो decomposers कर रहे होते थे. All the microorganisms are harmful. Reject this theory through arguments. अगर आपसे कोई कहे कि क्या तमाम microorganisms harmful हैं, तो आप तो जानते हैं ना कि तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं है, बेनिफिशियल भी तो है, फ़ायदा भी तो देते हैं. आप झट से कह देंगे नहीं. लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं अगर आप नहीं कहते हैं तो उसकी कुछ रीजंस बताएं. तो आप तो सारी रीजंस जानते हैं ना. आए रिकॉल करते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी वेरी यूजफुल. हम तो जानते हैं इस बात को. जैसे कि सम बैक्टीरियाज कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट, सम बैक्टीरियाज कन्वर्ट मिल्क इनटू चीज, सम टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड, सम फंजाई आर यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कैन किल बैक्टीरिया दैट कॉज डिजीजेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन और डीकम्पोज द डेड लिविंग थिंग्स, द डीकम्पोज matter become the part of the soil and the soil is then used to grow new plants. तो ये वो तमाम arguments हैं जो कि आप अपने इस question के answer में लिख सकते हैं और अपने answer को powerful बना सकते हैं. जी तो dear students, ये थे कुछ questions और हमने इन questions के साथ साथ अपने concept को भी recall किया था. अब आपको microorganisms के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है और अब कोई भी आपसे कोई question करेगा तो आप झट से उसका answer दे देंगे. लेकिन याद रहे, book के मौजूद तमाम questions को आपने याद करना है, अपनी notebook के ऊपर note down करना है और एक बहुत ही खूबसूरत से notes बनाने हैं. अपनी teachers की instructions को follow करते हुए आपने इस assessment को complete करना है. इंशाल्लाह आप इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे. हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू. अल्लाह हाफिज़.